तो दोस्तों आप भी अगर मेरी तरह यूट्यूबर हैं तो आपको एक मेल रिसीव हुई होगी जिसमें उन्होंने बताया होगा कि आपके 24% जो वो कार्ड लिए जाएंगे, जो है गूगल एडसेंस में भी आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा और आपको एक मेल भी रिसीव हुई होगी कि जिसमें आपके जो है 24% आपका रेवेन्यू जो है वो अमेरिका कार्ड लेगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक आप फॉर्म फिल करेंगे और किस तरह से जो है आप बच सकते हैं, आपको पता है कि जो है ये सारा सिस्टम चल रहा है अभी। अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आपका एडसेंस अकाउंट है तो उसमें आपकी अर्निंग वगैरह आती है, तो मैं आप लोग को बताऊँगा किस तरह से वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी एक दो बातें और भी मैं क्लियर करूँगा। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये परेशानी हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल रही कि ये जो 24% काट रहे हैं ये आपकी टोटल अर्निंग में से काट रहे हैं या फिर जो भी अमेरिका से व्यूज़ आएंगे तो उससे काट रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भी आपकी व्यूअरशिप जो है अमेरिका से आती है व्यूअरशिप, उसके आपके जो है 24% अमेरिका काटेगा, लेकिन उसको आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, किस तरह से आप 16% उसको ला सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो यहां पर दोस्तों आपने परेशानी होना, मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है और इसमें क्या सारा सीन है, ये आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भी आपकी व्यूवरशिप है, अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं कि आपकी ज़्यादा व्यूवर जो है वो अमेरिका से आ रहे हैं तो उसका जो है आपको 16% आपको जो है वो अमेरिका की जो है गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी गूगल एडसेंस के थ्रू। तो आप अगर इस फॉर्म को फिल नहीं करते तब आपका 24% जो है ये काट देंगे आपकी टोटल अर्निंग में से। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम तब बनेगी जब आप इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, तो आपका 24% जो है बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, ठीक है। 24% आपकी अमाउंट जो है वो काट लेंगे आपकी टोटल अर्निंग में से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप उसको 16% पे लेके आ सकते हैं, वो भी सिर्फ जो है उन व्यूज़ पर जो आपके अमेरिका में देखे जाएंगे, जो आपकी अर्निंग अमेरिका में होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि TIN नंबर कौन सा होता है, तो वो भी आप लोग को बताऊँगा। दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ रॉन्ग हो सकती है, जा सकती है आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो आपने वीडियो को जो है लाइक करना है और पूरा देखना है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने गूगल एडसेंस में, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो है टैक्स फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर आप पॉपअप में देख भी सकते हैं, एक यहाँ पर आपको मैसेज नज़र आ रहा है कि अगर आप अपना जो है ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपने किस तरह से अपना टैक्स फॉर्म जो है फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर जो है ये नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको नज़र आ रहा होगा, अगर यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपने जो है पेमेंट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। पेमेंट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पर हाईलाइट करके उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर भी अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगा नीचे जो है मैनेज सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़रूरी बात है। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये ऑप्शन नहीं नज़र आ रही होती या नहीं आ रही, उनकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है, वो परेशान होते हैं कि हमारा तो ये आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा इस तरह से, और आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो भी आपकी लॉगिन आईडी है जिसके ऊपर आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, आपने यहाँ पर वही लॉगिन करनी है जिसमें आपने कोई दूसरी आईडी का एडमिन कोई बनाया हुआ है, तो वो वहाँ पर आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कोई यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ऊपर मेन के ऊपर ही चले जाते हैं, यहाँ पर जो है मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन या इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको एक फॉर्म जो है मिल जाएगा, वो आपने करना है। तो यहाँ पर ऐड टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी आईडी का पासवर्ड मांगेगा, आपने दोबारा से अपना जो पासवर्ड है वो लगा देना है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड जो है वो लगाता हूँ और फिर जो है आप लोगों को आगे बताता हूँ कि किस तरह से आपने ये करना है। तो यहाँ पर मैं ये पासवर्ड लगा लेता हूँ, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको फिर से वहाँ पर ही लेके चला जाएगा आपके एडसेंस अकाउंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एडसेंस अकाउंट में ये लेके आ चुका है, और यहाँ पर आपको ये फॉर्म भी नीचे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को रोक के यहाँ पर मैं जल्दी में थोड़ा सा बताऊँगा।
ताकि लोग जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते। आपने एक तो वीडियो को पूरा देखना है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इसको फिल कर दूं। तो मैं पाकिस्तान से हूं, तो यहां पर जो है मैं इसको इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करता हूं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। यहां पर नॉन इंडिविजुअल के ऊपर आप क्लिक करेंगे अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, तो मैं यहां पर इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आप अमेरिकन सिटीज़न हैं या अगर आप नॉन अमेरिकन सिटीज़न, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि नो, मैं अमेरिका का सिटीज़न नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर जो है आपने ये पहले वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। W8 जो भी आप यहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग लेगा। उसके बाद जो है मैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको और भी बताऊंगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो कह रहे हैं 3 नंबर को आप जो है स्किप कर दें, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँगा पाकिस्तान का जो 3 नंबर है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये सर्च हो जाए, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको इसके ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके जो है आप यहाँ पर जो है इसको पढ़ भी सकते हैं जो भी लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ, ऑप्शनल है तो इसको मैं छोड़ता हूँ। और कंट्री ऑफ द इसके ऊपर क्लिक करके आपने पाकिस्तान जो है कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान कर लेना है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया कर लेना है। जिस भी कंट्री से आप हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने कर ली है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि TIN नंबर आपका कौन सा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है पहले वाले में, अगर आप एशिया वगैरह में हैं। TRT यहाँ पर आप नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर TRT लिखा हुआ है, तो यहाँ पर TRT में आती है हमारी कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, जो जिसका USA के साथ मुआहदा है। तो यहाँ पर आपने अपना वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान TIN नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का TIN नंबर उन्होंने कहा है कि जो है आपका CNI सही नंबर है, वही आपका TIN जो है नंबर है। तो यहाँ पर मैं अपना जो है ID कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। तो जल्दी से मैं अपना ID कार्ड नंबर लिखता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड कर दूंगा ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने अपना ID कार्ड नंबर अच्छे से लिखना है, और यहाँ पर आपने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है अपनी आपका जो एड्रेस है वो आपने लिख लेना है Line 1 और Line 2 के अंदर। तो यहाँ पर मैं अपना जो है लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान, अगर इंडिया से तो इंडिया कर लें, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने अपना जो है एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर मैंने ऑटो लिख दिया है सारा, ठीक है। आप जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके ऊपर आपने चेक करना है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये यह आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंट्री TRT में आती है या नहीं आती है, क्लेमिंग करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर TRT में मेरी कंट्री कंट्री जो है पाकिस्तान आती है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी कंट्री है। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पाकिस्तान जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। आपकी जो भी कंट्री होगी वो आपने करनी है, और यहाँ पर जो है आपने चेक के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने जो है अपना एडसन्स के ऊपर क्लिक करना है, बाकी आपने छोड़ देना है। इसके ऊपर क्लिक करना है और ये वाला सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर करके आपने 0% रेट के ऊपर 0% रिड्यूस रेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपने इसको जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट जो आ जाएगी ऑप्शन वो आपने फिल करनी है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। तो अभी से जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो
तो यहाँ पर ये लोडिंग होती है, तो फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। ये फॉर्म आ चुका है और यहाँ पर आपने इसको जो है कंफर्म कर देना है। इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको रीड भी कर सकते हैं, अगर आप इसको सारा रीड करना चाहते हैं। आ जाएगा, इसको आप रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन के ऊपर आके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने सिग्नेचर के तौर के ऊपर अपना जो है फुल नेम आपने लिख लेना है, तो यहाँ पर मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने खुद ये सारा सिग्नेचर किया है, ये फॉर्म फिल किया है। अगर आप अपने बिहेव के ऊपर किया है आपने, तो आप अपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी से करवाया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खुद ही किया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कर देना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर आगे आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी गूगल यूएस के अंदर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपने नो कर देना है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपने आई एम द प्रोवाइडिंग, अगर आपका न्यू है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप पहले पेमेंट एडसन से ले चुके हैं तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग पेमेंट ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसके ऊपर चेक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर सकते हैं। एक दफ़ा आप इस सारे को जो है चेक कर सकते हैं जो भी आपने यहाँ पर लिखा है, और ये जो है आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से रीड कर लें, मैं दोबारा से आप लोग को दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने कर लेना है और यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको अगर वेरीफाई होगा तो आपको बता देगा और आपके जीमेल अकाउंट के अंदर भी ये आपको ईमेल कर देगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये मैं थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है अभी से। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर अप्रूव्ड आ चुका है। क्लेमिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि 0% है। यहाँ पर सारा का सारा मेरा अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।